हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जॉब स्लॉट 24/7 पे। आज की ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि हमारी हर एक वीडियो में कमेंट करते रहते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं, और उनका सवाल भी होता है, क्वेश्चन भी होता है कि क्लास 4th PWD के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट कब आएगी और कितनी वैकेंसीज वैकेंट हैं। आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपकी लिस्ट जो है वो आउट हो चुकी है, इसके बारे में कम्प्लीट डिस्कस करेंगे और आपकी कितनी वैकेंसीज टोटल बची हुई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। सो इससे इस वीडियो से आपके सारे डाउट जो हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सो इस वीडियो को मैं उस वे में बना रहा हूँ जिस वे में मुझे कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि कितनी वैकेंसीज बची हुई हैं, लिस्ट कब आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगी, कितने कैंडिडेट्स को सेकेंड लिस्ट में बुलाया जाएगा एंड ऑल दैट। सो आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर क्लास 4th पोस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर UT कैडर, डिविजनल कैडर, डिस्ट्रिक्ट कैडर्स एडवर्टाइज बाई नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2020 डेटेड 26/6/2020 फॉर फिलिंग अप ऑफ द लेफ्ट ओवर वैकेंसीज फेज थर्ड देयर ऑफ। सो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो लेफ्ट ओवर सीट्स हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। सो ये अगर आप रीड करना चाहते हो वो आप रीड कर सकते हो। चलिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें ये बताया गया है कि 1:4 की रेशियो से कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर होना है। जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10/3/2022 से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 10 मार्च से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाली है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि जो क्लास 4th के कैंडिडेट्स हैं अदर देन PWD उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली थी 7/12 तक वो पोस्टपोन हो गई है। उसकी जो न्यू डेट्स हैं वो अनाउंस की जाएंगी बट अभी तक नहीं की हैं, जैसे ही होती हैं हम आपको बता देते हैं। बट जो कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स हैं जिनकी 23 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी उनकी अब 9 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है। अगर कोई कैंडिडेट कश्मीर से देख रहा है जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 को थी, पोस्टपोन हो गई थी, उसकी 9th को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि 9 मार्च को उसको अपेयर होना है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इसमें दी हुई है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, DOB सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट या 10th का डिप्लोमा, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, +2 मार्कशीट / डिप्लोमा, इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों हैं तो दोनों ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अदर डॉक्यूमेंट्स एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, आपकी डिसेबिलिटीज़ वगैरह की सर्टिफिकेट्स, बाकी जो भी सर्टिफिकेट्स हैं एक्स्ट्रा वेटेज के लिए वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो वो आप देख लेना, आपने किस हिसाब से अप्लाई वगैरह किया हुआ है, सो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं जो मेन है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है आप सबके लिए। ऑल दोज कैंडिडेट्स हु वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द फर्स्ट एंड सेकंड फेज नीड नॉट टू अपेयर अगेन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन फेज थर्ड। इसमें यह कहा गया है कि जिन बच्चों की फेज 1 फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, अगर उन बच्चों का इस लिस्ट में नाम है सो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपेयर होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, सो आपको JKSSB ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अपेयर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात आप सबको समझ आ गई होगी, आई होप सो। चलिए आगे बात करते हैं आप लिस्ट के बारे में। यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप देख सकते हो एक्स्ट्रा वेटेज के लिए जो भी। अब यहाँ पे अनक्षर ए में और अनक्षर बी में, अनक्षर ए में जम्मू डिवीज़न की जो लिस्ट है वो दी गई है और अनक्षर बी में कश्मीर डिवीज़न की जो लिस्ट है वो दी गई है। यहाँ पे DV सीरियल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, रोल नंबर है, फिर नेम है, फादर नेम है, मदर नेम, कैटेगरी PWD यस और नो, ESM एक्स सर्विस मैन आर नॉट, डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टेड स्कोर, डिवीज़न कन्वर्टेड स्कोर, UT कन्वर्टेड स्कोर, आगे ये एक्स्ट्रा वेटेज के लिए जो भी कॉलम्स हैं वो दी गई हैं। नेक्स्ट
जो मेन इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाली है उसकी डेट यहाँ पे मेंशन की गई है, वेन्यू और कहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है उसका वेन्यू भी यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट में यहाँ पे कमेटी, आपको कौन सी कमेटी के पास अपीयर होना है। ये दो चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, डेट और कमेटी। वेन्यू तो आप सबको पता ही होगा, जम्मू बेस्ड कैंडिडेट जो हैं उनको पता होगा अपना वेन्यू, और यहाँ से देख भी लोगे। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कमेटी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, 23 हैं, 23.77, डिवीज़न में 25.36 और यूटी वाइज 26.945। ये टोटल मार्क्स बन रहे हैं जो हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं टॉपर के, जो इस लिस्ट में टॉप पे है बंदा। सो उस हिसाब से आप देख सकते हो, अब जम्मू में टोटल कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना है, 554। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 554 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, एंड जो लास्ट मार्क्स हैं 0.75, 0.8, 0.85, ये आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिवीजन वाइज एंड यूटी वाइज ये मार्क्स बन रहे हैं। सो आई थिंक के पीडब्ल्यूडी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं क्लास फोर्थ की पोस्ट जो हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो बच जाएंगी, बट कैंडिडेट्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कश्मीर डिवीजन कैंडिडेट्स, जो कि कश्मीर बेस्ड कैंडिडेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इनमें टोटल जो कैंडिडेट्स हैं टोटल 433 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डीबी के लिए बुलाया गया है। और कश्मीर में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 1.97, 2.104, 2.2355 ये स्कोर हैं जो लास्ट पे कैंडिडेट हैं एट द एंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड लास्ट पे -2 वाले को भी इंक्लूड किया हुआ है, और ये सेकंड लास्ट पे क्यों है, बिकॉज इसके एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 5। मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताता हूँ, टोटल जो पोस्ट है हमारी, टोटल जो कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जम्मू में 554 एंड कश्मीर में 433। सो टोटल की हम बात करेंगे, टोटल 987 कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना है। अब बात करते हैं टोटल सीट कितनी लेफ्ट हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 987 हमारे पास, उसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, बिकॉज 1:4 की रेशियो से कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना है। सो टोटल जो पोस्ट हमारे पास बन रही हैं 247 आप मान के चल सकते हो जो आपके पास वैकेंट पोस्ट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कितनी पोस्ट वैकेंट है और कितने कैंडिडेट्स को जम्मू में बुलाया गया, कितने कैंडिडेट्स को कश्मीर में बुलाया गया है। सो बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं क्लास फोर्थ की जिनकी डीवी पोस्टपोन्ड हुई है, होप के वो 20 से पहले पहले हो जाए, ताकि उनको ज़्यादा डिले ना देखने को मिले। आगे ही बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, कभी ये कोर्ट केस, कभी वो कोर्ट केस, कभी JKSB की तरफ से इशू, कभी GAD की तरफ से इशू। सो होप के आप जो भी ये लिस्ट हैं ये जल्दी से कंपाइल हो जाएं और जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, और ताकि कैंडिडेट्स को रोज़गार मिल सके जो कैंडिडेट्स जेन्युइनली चाहते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कर देना बाकी कैंडिडेट्स के साथ, बहुत सारे कैंडिडेट्स की हेल्प हो जाएगी। सो अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ देन थैंक यू सो मच। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर।